इंजीनियरिंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास टेंथ का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एसिड की क्या पहचान है, विच आर श्योर इन टेस्ट, विच आर श्योर इन टेस्ट, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड, नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल करते हैं, और स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन रेड लिटमस के अंदर, ब्लू तो इन्होंने क्या कर दिया, रेड, रेड लिटमस के अंदर इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता। जो रेड लिटमस है, रेड लिटमस के अंदर नो चेंज, किसका, एसिड का। और इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे अनराइपंड मैंगो है या लेमन है और कार्ड है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एसिड के। बेस में देखो क्या होता है, विच आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और यहां पर ब्लू था, लेकिन रेड लिटमस को क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू, लाल को क्या करते हैं, नीला करते हैं, क्या करते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू। लेकिन ब्लू जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस नो चेंज। एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, बेस के। अब एसिड की बात करें, व्हेन आवर इन आवर फैमिली वी आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, किससे सफरिंग हो जाते हैं, एसिडिटी मींस कई बार क्या है, ओवर ईटिंग करने से या टेस्ट बढ़ने से हम ओवरटेकिंग कर लेते हैं, उससे क्या बन जाती है, एसिडिटी, क्या बन जाती है, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम या तो टैबलेट लेते हैं एंटा एसिड, इसके अलावा ये चीजें भी थोड़ी अमाउंट में ली जाती है, बेकिंग सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मीठा सोडा बोलते हैं, या लेमन जूस को भी हम रिमूव कर देते हैं एसिडिटी को ये लेने से। तो क्या होता है, एसिडिटी बढ़ने से हम ये चीजें लेंगे, एंटासिड, उस एसिड के प्रति कोई टैबलेट लिए जाते हैं और वी सर्वाइव फॉर गुड, तो हम अच्छा महसूस करते हैं इसको रिमूव करने के लिए। इसके बाद है एसिड बेस इंडिकेटर। और अगर इससे पहले मैं कुछ बताऊं, एसिड और बेस दो तरह के होते हैं, एसिड और बेस दोनों के टाइप मैं बता देता हूं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। क्या बता देता हूं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो। जैसे अगर बात करें हम एसिड कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, DIL, कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा है, इन विच मोर अमाउंट ऑफ है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल 95% क्या है,
एसिड है और 5% क्या है वाटर, तो वो क्या बनता है कंसंट्रेटेड एसिड बनता है, क्या बनता है कंसंट्रेटेड एसिड। एग्जांपल के तौर पे जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये दोनों फॉर्म में होते हैं डाइल्यूट भी और कंसंट्रेटेड। इसी प्रकार डाइल्यूट की बात करें हम, डाइल्यूट के अंदर लेस अमाउंट ऑफ है एसिड प्रेजेंट, मींस 95 इसके अंदर क्या मिलेगा वाटर मिलेगा और 5% क्या मिलेगा एसिड। कहने का मतलब ये है वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी और एसिड की कम। इसके अलावा बेस में भी अगर बात करें, बेस भी क्या होते हैं टू टाइप्स के, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। वही सेम प्रोसीजर है, इसमें बेस की अमाउंट क्या होगी मोर होगी लगभग 95% और यहां पर बेस की जो अमाउंट है वो क्या होगी लेस। इसके अलावा एसिड है जो टू टाइप्स, एसिड और बेस है जो टू टाइप्स के हैं। एसिड की बात करें हम, एसिड जैसे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड तो हमने कर लिए, बेस भी कर लिए, तो ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम टू टाइप से है, इनऑर्गेनिक एसिड, दूसरा नाम है मिनरल एसिड। अगर हम इसकी डेफिनेशन H+ ion की उस पे दें वो आगे बताएंगे क्या होते हैं। और मिनरल जिसके जिसको बोलते हैं खनिज अम्ल और जिसके अंदर कार्बन नहीं होता, ये मेनली तीन ही हैं HCl, H2SO4 और HNO3। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है लेड स्टोरेज बैटरियों के अंदर, जो बैटरी होती है इन्वर्टर की या बसों में चलती है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड स्टोर होता है, वो डालते हैं, तेजाब बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं तेजाब। और मिनरल एसिड भी इन्हीं को बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर खनिज होते हैं जैसे सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन। ये कहां से मिलते हैं, सी से मिलते हैं, सी एलिमेंट है, क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट आयन। और इनके अलावा दूसरा है जो, उनको बोलते हैं वीक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। यानी कि इन एसिड को छोड़ के जितने भी एसिड बचते हैं जैसे सिट्रिक एसिड है और सिट्रिक एसिड तो चलो रहने दो इसमें, जैसे मैलिक एसिड है एप्पल के अंदर होता है, टार्ट्रिक अम्ल है, ऑक्जैलिक अम्ल है, जैसे ऑक्जैलिक अम्ल होता है COOH की ट्वाइस, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है ऑक्जैलिक, किसके अंदर होता है टमाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सब इनको छोड़ के क्या होते हैं वीक एसिड। इसी प्रकार जो बेस है स्ट्रॉन्ग बेस, जो OHI मोर नंबर में दे और दूसरा क्या है जो लेस नंबर में क्या दे OH दे, यहां पर दो ही है NaOH और KOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, साबुन बनाने में यूज होता है क्या होता है साबुन बनाने में यूज होता है, इसको कास्टिक पोटास बोलते हैं या पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जितने भी बचते हैं जैसे MgOH की ट्वाइस मिल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिलक ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, एंटासिड के रूप में यूज होता है। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ है इंडिकेटर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या होते हैं, विच चेंज दियर कलर और स्मेल, विच चेंज
डियर, कलर एंड स्मेल इन डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे एसिड में इनकी स्मेल अलग होती है और बेस के अंदर इनकी स्मेल अलग होती है। ये तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? इंडिकेटर, एक तो होता है सिंथेटिक या नेचुरल, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी। कौन से होते हैं? नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक और थर्ड है ओल्फैक्टरी। नेचुरल कौन से होते हैं? जो नेचर में मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं। नेचुरल कौन से लिखेंगे? विच फाउंड इन नेचर और गेट फ्रॉम प्लांट। प्लांट से मिलते हैं, जैसे आपका लिटमस है। क्या है लिटमस? आपको पता है कहां से मिलता है? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ग्रुप्स का एक मेंबर होता है। लिटमस है जो थैलोफाइटा ग्रुप का एक मेंबर है लाइकन, वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है। और दूसरा है टर्मेरिक, जिसको क्या बोलते हैं? हल्दी। लाइकन से ही मिलता है, लेकिन लिटमस है जो एसिड के अंदर कैसा होता है और बेस के अंदर कैसा होता है। एसिड के अंदर ये रेड कलर का और बेस के अंदर ब्लू कलर का। टर्मेरिक है जो हल्दी है, वो एसिड के अंदर, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, वो येलो कलर की ही रहती है। हल्दी आपको पता है येलो कलर की होती है, लेकिन जैसे ही आप, जैसे कपड़ों पे कोई सब्जी का दाग लग जाता है, अगर उसको साबुन से रगड़ते हैं वैसे बेस से, तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है? रेड कलर में। ओरिजिनल कलर इसका येलो है और एसिड में भी ये कैसी रहती है? येलो रहती है। और जैसे इसको बेस में डालते हैं, ऊपर साबुन रगड़ते हैं, तो ये किस कलर में चेंज हो जाती है? रेड कलर में। सिंथेटिक देखते हैं। सिंथेटिक मैं इसको इरेज कर, दूसरा है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है विच प्रिपेयर प्रिपेयर इन लेबोरेटरी, जिसको केमिकली रूप से तैयार किया जाता है। दो तरह के है ये, एक तो है आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज ये एसिड में कैसा होता है और बेस के अंदर कैसा होता है। एसिड के अंदर जो आपका है मिथाइल ऑरेंज, वो कैसा होता है? रेड कलर का। मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है एसिड में? रेड कलर का। और बेस के अंदर कैसा होता है? वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो। और जो आपका फिनोक्लिन है सिंथेटिक, फिनोक्लिन एसिड के अंदर कलरलेस होता है। एसिड के अंदर क्या होता है? कलरलेस। एसिड के अंदर, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। और आपका जो ये फिनोक्टिलिन है, बेस के अंदर डार्क पिंक हो जाता है। कैसा होता है? डार्क पिंक। अब जो लास्ट है हमारा ओल्फैक्टरी, यानी कि जिसको गंधीय सूचक बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो ओनियन आता है और एक क्लो, जिसको लौंग का ऑयल बोलते हैं, क्लो ऑयल
और आपका एक होता है वेनिला। इनके अंदर क्या है, एसिड के अंदर इनकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप खासकर प्याज के ऊपर जब सलाद बनाते हैं और नींबू डालते हैं, नींबू के अंदर क्या है, एसिड, तो इनकी स्मेल और भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन बेस के अंदर क्या है, इनकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दोबारा देखो, जो ओनियन है, क्लोव है, क्लो ऑयल है, वेनिला है, इनके ऊपर एसिड का जो इफेक्ट है, इनकी स्मेल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। लेकिन बेस, अगर आप इनको बेस में डालते हैं तो इनकी स्मेल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभ्य कमेंट के द्वारा हमें बताएं जहां प्रॉब्लम है। थैंक यू, हैव ए